हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत एक गुलाब के फूल से की थी मैंने। आज जीत जाने वाले हैं घर यानी मसौरी, क्योंकि वो डायरेक्टली कल आ गए थे मेहंदी में यहाँ पे। तो पहले वो घर जाएंगे, माँ से मिलेंगे और फिर वहाँ से कपड़े वगैरह कुछ लेके भी आने थे, जिससे उनको जाना पड़ेगा घर पे। तो उन्होंने पापा का बुलेट लिया और उसके बाद वो निकल पड़े मसौरी की ओर, क्योंकि आज ज्योति का तिलक भी है और पूजा की हल्दी भी है। तो अगर हम लोग बाई चांस तिलक से पहले आ जाते हैं तो पूजा की हल्दी अटेंड भी कर पाएंगे, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो एक फंक्शन छूटना तो तय है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। जी हाँ, हल्दी ही बेस्ट होता है, जिसमें सभी लोग मिलकर हल्दी खेलते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं। और मुझे जहाँ तक डाउट हो रहा है कि वो फंक्शन छूटेगा ही, क्योंकि तिलक लेट तक ही चलेगा। आई थिंक अगर हम लोग 9-10 बजे तक आ गए तब तो अटेंड कर पाएंगे। वैसे भी आज से शेड्यूल बैक टू बैक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। यही होता है जब घर में दो दो फंक्शन हो और सेम डेट पे हो, तो ये तो होना बनता ही है। कोई ना कोई हमारा एक फंक्शन छूटेगा ही छूटेगा। खैर, देखते हैं शाम का टाइम पे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक तो आज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम भी बहुत खराब हो चुका है, रोड भी काफ़ी खराब हो चुका है। जब कपड़े अच्छे पहनो और ऊपर से बारिश हो जाए तो भाई साहब, मूड का तो कचरा होना बनता ही है। जीत का भी हेक्टिक डे था पूरा, परसों रात से इन्होंने रेस्ट तक नहीं किया था, इस वजह से ये घर जा रहे हैं तो कि थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर पाए, क्योंकि शाम में फिर इन्हें वापस आना है फंक्शन अटेंड करने। सो ये निकल चुके हैं घर के लिए। खैर, बारिश के वजह से फंक्शन तो रुक नहीं सकती है, जो रिचुअल्स थे अब वो घर में शुरू हो चुके हैं, जैसे देवता जी का गीत गवाना, तिलक जाने से पहले जो भी है सामान वगैरह वो सब देखने आती हैं लेडीज लोग, तो वो सारे अब रखा चुके हैं और यहाँ पे गीत गाना स्टार्ट हो चुका है। माधुबन में सीता के कैसे खब अम्मा महू, जय भई माधु में सीता के कैसे रखब। राम जी शाम का वक्त हो चुका है, सभी लोग आ गए हैं घर पे। ऑलमोस्ट जीत भी रिटर्न हो चुके हैं उधर से, सभी लोग रेडी हो चुके हैं और अब तिलक निकलने का इंतजार हो रहा है। सभी लोग प्रिपेयर हो रहे हैं तिलक निकलने को। फिर सारे तैयारियों के साथ हम पहुंचे तिलक में, जहां ज्योति का आज पहला लगन शुरू होने वाला है। बात वही चल।
लंबे इंतजार के बाद हुई दुल्हे राजा की एंट्री। बड़े मुस्कुराहट के साथ इन्होंने एंट्री मारी है और फिर उसके बाद हमारा रिचुअल्स जो है वो शुरू हुआ। एक कपड़ा चढ़ने के बाद दूल्हे का होता है कपड़ा चेंज, तो वो गए हैं फिलहाल अभी अपने कपड़े चेंज करने। तब तक हमारी मस्ती यूं ही जारी है। जब तक दूल्हे राजा गए थे कपड़े चेंज करने, हमने बहुत सारी मस्ती की, फोटोशूट भी कराया, फोटो भी क्लिक कराया। और अब हुई मुस्कुराते हुए फिर से कपड़े चेंज करने के बाद दूल्हे राजा की एंट्री। दूल्हे का मुस्कुराहट देख के पता चलता है कि शादी से बंदा कितना खुश है। सो एक साइड में ज्योति का दूल्हा और दूसरे साइड में दुल्हन का यानी ज्योति के भाई, जीजा, पापा, चाचा लोग बैठ चुके हैं और जो भी अब तिलक की रस्म में रिचुअल्स हैं वो शुरू हो रही हैं। ध्यान इधर रखिएगा। ओम सर्वधैव गदम सो फाइनली तिलक चढ़ गया। अब बारी आती है धनबट्टी और संधि मिलन की, जो कि पापा और मंझले पापा लोग का काम है। अब हम लोग का काम जो था पूरा हो गया था, हम लोग का इन द सेंस की भाई लोग का जो काम था वो पूरा हो चुका था। अब इन दोनों की बारी थी। हमर कर कुटुंब में सिक्का चाहिए मुझे नोट चाहिए, नोट 500 नहीं 5 लाख। अरे चिल्लो नहीं कर रहा है पागल। Hello,
बोलिए शंकर भगवान की जय। सो फाइनली तिलक चढ़ गया, अब बारी आती है चुमावन की। तो फाइनली तिलक फंक्शन खत्म हुआ, ज्योति का पहला फंक्शन जो है वो खत्म हुआ। हम लोग वापस रिटर्न होके घर आए, उसके बाद मैंने फोन किया पूजा को, तो पता चला कि हल्दी फंक्शन जो हो रहा था वो खत्म हो चुका है। जाने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत फुटेज ही मंगवा ली कि यार भेज दो, मुझे भी देखना है, क्योंकि हल्दी जो है वो जम के खेली जाती है वहां पे, और मैंने ये मिस कर दिया आज का। उसके बाद थोड़ी बहुत फुटेज देखने के बाद आज रिशु का बर्थडे भी था, रिशु और कविता मासी दोनों का बर्थडे था, क्योंकि बाइक एक था, चार लोग जा नहीं सकते थे, हार्डली तीन लोग जा सकते थे। गाड़ी थी नहीं क्योंकि लगन इतना तेज है, पापा लेके गाड़ी गए हुए थे कहीं और शादी में। सो हर्ष, बंटी और शशि ये तीन लोग ही जा पाए। उसके बाद रात में रिशु का बर्थडे सेलिब्रेट करके फिर वो लोग रिटर्न हो गए घर। अच्छे कॉलेज का बाजू।